The sum of the area of two स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. वो रहा है कि दो स्क्वायर है जिसका एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 और उनका पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है तो साइड पता करना है दोनों स्क्वायर का. तो मान लेते द साइड of two square b a and b area of first square a square and area of second square is equal to b square. और दोनों का जो सम है वो क्या बोल रहा है 468. ओके अगर पेरीमीटर की बात करें पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा 4a और पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड स्क्वायर ये होगा 4b इक्वल टू 4b. ओके और इनका डिफरेंस अगर देखा जाए ठीक है ना तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा देखिए 4a माइनस 4b इक्वल टू 24. अगर 4 कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24. तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6. तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6. ठीक है चलिए आगे देखते हैं. और तो हमारे पास आया था a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6. ठीक है a इज इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस बी ऐसा बोल सकते हैं. अगर इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं तो a की जगह 6 प्लस बी ठीक है होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468. तो इसको स्क्वायर करो 36 प्लस 12 बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468. तो हमारे पास आया 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 माइनस 468. ओके 2b स्क्वायर प्लस 12b और इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा माइनस 234 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 6b 216 इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0. 0 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है. तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0 को हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0. बी कॉमन ले लीजिए बी कॉमन लेंगे बी प्लस 18 12 कॉमन लिए बी प्लस 18 इक्वल टू 0. तो बी प्लस 18 कॉमन लेंगे बी माइनस 12 इक्वल टू 0 b प्लस 18 इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू माइनस 18 b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 12. तो b का वैल्यू 12 आ गया ठीक है और a का वैल्यू क्या आएगा a इज इक्वल टू b प्लस 6 था क्लियर. तो यानी a इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18. तो जो स्क्वायर की साइड थे वो क्या आया 18 मीटर और 12 मीटर. तो साइड ऑफ
फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू ए, बोले तो 18 मीटर, ठीक है, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर ओके इक्वल टू बी 12 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।